चित्तौड़गढ़ में विगत रात्रि को चंदरिया थाने के सामने हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाश द्वारा प्रवेश कर गार्ड नरेंद्र कुमार की हत्या कर मंदिर से राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति के चांदी के मुकुट को चुरा ले जाने की वारदात की गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही गार्ड को गंभीर अवस्था में चंदरिया पुलिस द्वारा हॉस्पिटल ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया गया। डॉक्टरों द्वारा गंभीर घायल नरेंद्र चंदरिया को इलाज हेतु उदयपुर रेफर किया गया। उस घटना की रिपोर्ट पुजारी ओम प्रकाश पिता राम निवास शर्मा ने पेश की, जिस पर थाना चंदरिया पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कैलाश चंद थाना अधिकारी चंदरिया द्वारा शुरू किया गया। इलाज के दौरान नरेंद्र मिनारिया निवासी पुनावली थाना निम्बू की मृत्यु हो गई। घटना में अनुसंधान प्रारंभ कर मुलजिमों की तलाश शुरू की गई। सूचना पर आरोपीगढ़ के मिलने के संभावित स्थान गांव खड़की थाना साडास में सरसों के खेतों के बीच बड़ी झोपड़ियों में दबिश दी गई। घेराबंदी कर वारदात में शामिल चारों आरोपीगढ़ को डिटेन कर पूछताछ की गई। तो चोरों के द्वारा वारदात करना व घटना में मंदिर में प्रवेश कर गार्ड पर लकड़ी से हमला कर गंभीर घायल करना व मंदिर में राम सीता व लक्ष्मण की मूर्ति से चांदी के मुकुट चुरा ले जाना स्वीकारा गया। उक्त चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रकरण में चोरी किए गए चांदी के मुकुट को बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पर और भी वारदात खुलासे की संभावना है।